अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिरोशिमा पर एक न्यूक्लियर बम गिराया गया था। ये बम जमीन से 600 मीटर ऊपर के हाइट पर फटा था। जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर ये बम का विस्फोट हुआ उसके ठीक नीचे इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल की बिल्डिंग थी। कमाल की बात ये है कि वो बिल्डिंग बच गई। इस बम के धमाके से इंस्टेंटली 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जो लोग बिल्डिंग के अंदर थे उन सब की पलक झपकते ही मौत हो गई। बिल्डिंग खुद आग के लपटों में घिर गई। लेकिन ये बिल्डिंग की दीवारें काफी मोटी थी, स्टील के डम था और ब्लास्ट का इम्पैक्ट एकदम इस बिल्डिंग के ऊपर हुआ था, तो इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो बच गया। आज के दिन भी हिरोशिमा में आप इसे देख सकते हो। आज इसे एटॉमिक बम डोम के नाम से जाना जाता है और इसके पास एक मेमोरियल पार्क बनाया गया है। इस पार्क में एक मशाल जल रहा है पीस फ्लेम नाम से, जिसे सिर्फ उसी दिन बुझाया जाएगा जिस दिन दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स का सफाया हो जाएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।